गॉड ऑफ हाई स्कूल एक बहुत ही फेमस वेबटून है जिसके ऑथर है योंजी पार्क और इसका जॉनरा है कॉमेडी मार्शल आर्ट सुपरनैचुरल। इसका ओरिजिनल रन हुआ था स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल 2011 से और ये अभी तक चल रहा है। द गॉड ऑफ हाई स्कूल को मापा स्टूडियोज ने बनाया है। मापा स्टूडियोज के फेमस आने में है रेज ऑफ बहामुट, डोरोरो, गारो द क्रिम्सन मून, यूरी ऑन आइस एंड इनुयाशिकी और इसको लाइसेंस करा है क्रंचीरोल और म्यूज एशिया ने। इसके डायरेक्टर हैं सोंगू पार्क और इसको राइट करा है कियोको योशी मूरा ने। इसमें 13 ही एपिसोड हैं और ये स्टार्ट हुआ था 6 जुलाई 2020 से और एंड हुआ है 28 सितंबर 2020। तो गॉड ऑफ हाई स्कूल 3 रेलम के ऊपर है, ह्यूमन रेलम, डीमन रेलम जिसको सेज रेलम कहते हैं और आखिरी है हेवन रेलम। इस एनिमे का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आप गॉड्स की पावर को बोरो कर सकते हो फाइट करने के लिए, लेकिन गॉड के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, उसको बोरोड पावर कहते हैं और चारियोक कोरियन में कहते हैं इसको। तो अलग अलग मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। तो इसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है जिन मोरी जो कि एक 17-year-old हाई स्कूलर है सोल के अंदर साउथ कोरिया में, जो एक मार्शल आर्टिस्ट है। वो एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है द गॉड ऑफ हाई स्कूल। इसको एक शेडी कॉरपोरेशन स्पॉन्सर कर रही होती है अलग अलग हाई स्कूल से लोगों को लाने के लिए और उसका प्राइस होता है वो काफ़ी कैची होता है, आपकी कोई भी विश पूरी करी जाएगी। तो इसमें बाकी कैरेक्टर्स हैं डेवी हान और मीरा यू जो इसके दो फ्रेंड्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे फाइटर्स होते हैं सेम रीजन से। तो स्टार्टिंग वाले एपिसोड में जिन मोरी के अडॉप्टिव ग्रैंडफादर को दिखाया गया है जिनका नाम है टाइजिन जिन, जो कि काफ़ी बड़े मार्शल आर्टिस्ट और फेमस आदमी हैं उनके रीजन में, बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं वो। उनका एक डिसाइपल भी है, ईपीओ पार्क का भी काफ़ी फेम इम्पॉर्टेंट रोल है इस एनिमे के अंदर। फिर आते हैं एंटैगनिस्ट मुजिन पार्क और टैक जेजाल, आई होप प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो म्यूजिन इस पूरे टूर्नामेंट का इंचार्ज होता है और टैक फर्स्ट और सेकेंड आर्ट का मेन एंटैगनिस्ट है। एक्चुअली में दो लोग अलग अलग हैं, टैक आई थिंक इसमें मेन विलन दिखाया गया है और म्यूजिन को थोड़ा न्यूट्रल सा रखा गया है कि वो हीरो का अटैक नहीं कर रहा सामने सामने, लेकिन उसका कुछ बड़ा प्लान दिखाया गया है इसके अंदर। तो मेनली इन 13 एपिसोड्स के अंदर काफ़ी लिमिटेड स्टोरी दिखाई गई है, मतलब सबकी बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश करी है, वेबटून से ज़्यादा बेटर दिखाई गया आई थिंक बैक स्टोरी, लोगों ने यही कहा है मेरे को कि वेबटून में थोड़ा शुरू में स्लोनेस ज़्यादा है और बाद में थोड़ा पेस पकड़ता है, लेकिन एनिमे के अंदर ये थोड़ा बैलेंस करा हुआ है। तो मेनली बोरोड पावर इसमें मेन चीज़ रखी गई है इस एनिमे के अंदर कि आप गॉड्स की पावर लीजिए और फाइट करिए। इस एनिमे के अंदर एक्चुअली मार्शल आर्ट का काफ़ी अच्छा कोरियोग्राफ करा है, लाइव रिकॉर्डिंग हुई है एक्चुअली में इसकी कोरियोग्राफी के लिए और फिर उससे रेफरेंस लेके इन्होंने एनिमे बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और गॉड ऑफ हाई स्कूल और टावर ऑफ गॉड के अलावा कोई भी वेबटून आई थिंक अडाप्ट नहीं हुई है इस लेवल पे इतने अच्छे बजट के साथ में। तो क्रंचीरोल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा है इसको, इसमें इन्वेस्ट करके, और मापा ने बहुत बढ़िया एनिमेशन करे हैं। आई थिंक इससे अच्छा आई थिंक बहुत कम एनिमेशन स्टूडियो कर पाएंगे जितना इसको अच्छा इन्होंने बनाया है। म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा था, एक्स्ट्रो थोड़ा स्लो सॉन्ग था बट ओपनिंग सॉन्ग काफ़ी अच्छा था इसका। और अब पहला सीज़न ख़त्म हो चुका है तो आई थिंक मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप ज़रूर देखिए इस एनिमे को। थोड़ा क्लीशे है कि एक बच्चा जो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है जिसके दादा या कुछ रिलेटिव फेमस हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और सबको हरा देता है एक ही बारी में, लेकिन फिर भी आई थिंक वर्थ इट है ये एनिमे देखना। कॉमेडी भी काफ़ी ठीक ठाक थी, मार्शल आर्ट और सुपरनेचुरल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कॉन्सेप्ट क्लियर थे और सुपरनेचुरल के हिसाब से इन्होंने कैटेगरी वाइज ठीक डिवाइड करा है, मतलब गॉड्स को थोड़ा वैसे दिखाया है इन्होंने अलग तरीके से, लेकिन फिर भी रिलेटेबल है, इतना ज़्यादा वो लॉस्ट नहीं होते हम लोग इसके अंदर। और आई थिंक शुरू में थोड़ा सा
स्लोनेस आया था फाइट्स के लिए, क्योंकि कुछ लोग बोरोड पावर यूज कर पा रहे थे और कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें काफ़ी थोड़ा इन लोगों के पास कौन सी पावर है जो ये लोग अवेकन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर लास्ट में 11th, 12th, 13th एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आई थिंक ज़्यादा अच्छी अच्छी फाइट हुई है और इन्होंने आई थिंक सही टाइम पे एंड भी कर दिया सीज़न। कुछ लोग कहते हैं कि 13 एपिसोड में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आई थिंक काफ़ी था इतना समझाने के लिए कि किस यूनिवर्स में बेस्ड है सब कुछ, और करेक्टर्स की बैक स्टोरी समझाने के लिए काफ़ी था इतना। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।